सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा के पाठ नंबर 5 विदुर के जो मुख्य प्रश्न उत्तर बनते हैं वो करेंगे। मुझे आशा है आप उसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी फिर नोटबुक में नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी फिर नोटबुक साथ साथ में आपने तैयार करनी है और इसे साफ साफ राइटिंग में तैयार करना है, उनके ऊपर कवर करना है, उन्हें अच्छी तरह से तैयार करके और इन प्रश्न उत्तरों को साथ में याद भी करना है। तो प्यारे बच्चों, 5वां लेसन कौन सा है? विदुर। तो इसका सबसे पहले प्रश्न है जो वो है, विदुर कौन था? कौन था बच्चों विदुर? विदुर दासी का पुत्र था। क्या उत्तर है? विदुर दासी का पुत्र था, जो अम्बालिका थी, जो उसके साथ में उसकी दासी आई थी साथ में। पहले क्या होता था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, जब उनकी लड़कियों की शादी होती थी तो उसकी वहाँ पे दासी होती थी उसके घर पे, उसके साथ ही उसके ससुराल में भी जाती थी, उसके साथ वहीं पे रहती थी। तो अम्बालिका की दासी उसके साथ जो आई थी, विदुर उसी का पुत्र था, विदुर दासी का पुत्र था। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या है इसका, विदुर के बचपन का नाम क्या था? विदुर के जो बचपन का नाम क्या था, वो धर्मदेव था। क्या नाम था? धर्मदेव। वह धर्मशास्त्र व राजनीति के ज्ञाता थे, वो बहुत शांत स्वभाव के थे, वो धर्म शास्त्र व राजनीति के ज्ञाता थे। अगला प्रश्न क्या बच्चों, देखो, भीष्म ने उन्हें किस पद पर नियुक्त किया था? भीष्म ने उन्हें किस पद पर नियुक्त किया था? धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री। किसका प्रधानमंत्री? धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न क्या बच्चों, विदुर जुआ खेलने को उचित क्यों नहीं समझते थे? विदुर है जो जुआ खेलने को अच्छा नहीं समझते थे, उसने जुआ खेलने से मना भी किया था धृतराष्ट्र को और युधिष्ठिर को। तो क्या इसका उत्तर बच्चों, जुआ खेलने से आपसी वैर भाव बढ़ता है तथा मान सम्मान की हानि होती है। जुआ खेलने से आपसी वैर भाव बढ़ता है और मान सम्मान की हानि होती है। अगला प्रश्न क्या बच्चों, धृतराष्ट्र की कमजोरी का दुर्योधन ने किस तरह अनुचित लाभ उठाया? तो धृतराष्ट्र की कमजोरी का दुर्योधन ने किस तरह अनुचित लाभ उठाया? पुत्र मोह के कारण। उत्तर क्या है इसका, पुत्र मोह के कारण दुर्योधन ने पिता से जुआ खेलने की अनुमति ले ली। जो धृतराष्ट्र था वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, दुर्योधन से, वो उसकी हर बात मान लेता था, इसी वजह से दुर्योधन ने उन्हें जुआ खेलने के लिए भी मना लिया था। पहले तो उसने धृतराष्ट्र ने मना कर दिया था जुआ खेलने से, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें जबरदस्ती हाँ भरवा ली थी। अगला प्रश्न क्या बच्चा, युधिष्ठिर जुआ खेलने क्यों चले गए? युधिष्ठिर जुआ खेलने क्यों चले गए? युधिष्ठिर अक्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। युधिष्ठिर जो अक्षत्रिय कुल की मर्यादा थी, उनकी मर्यादा थी कि जुआ खेलने, अगर कोई नियोक्ता देता है युद्ध के लिए और जुआ खेलने के लिए, तो वो मना नहीं करते थे, तो उस मर्यादा को रखने के लिए वो जुआ खेलने चले गए थे। अगला प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न, युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर के जुआ खेलने को आप कितना उचित समझते हैं? वर्णन कीजिए, जो युधिष्ठिर जुआ खेलने गए थे उसे आप उचित समझते हैं या अनुचित, उसे आप सही मानते हैं गलत? तो क्या उत्तर है इसका बच्चों, जुआ खेलने से मान सम्मान व धन की हानि होती है। तो अपने विचार से क्या है, ये जुआ खेलने से मान सम्मान व धन की हानि होती है, इसलिए हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।